नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल को मिली राहत। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निचली अदालत में पेशी से 19 दिसंबर तक के लिए राहत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय करते हुए सभी आरोपियों को इस दिन पेश होने का आदेश दिया है। भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस के नेताओं को समन जारी किए गए थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आईपीएल 2016 के लिए राजकोट एवं पुणे नई टीमें होंगी। आईपीएल के अगले संस्करण में दो नई टीमों को शामिल किया गया है। आईपीएल संचालन परिषद की दिल्ली में हुई बैठक में दो नई टीम पुणे और राजकोट का ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने टीमों के नाम का ऐलान किया। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का स्थान लेने के लिए 10 से ज्यादा कंपनियों ने बोली लगाई थी। इंडेक्स मोबाइल ने राजकोट और संजीव गोयनका ने पुणे टीम खरीदी है। झारखंड में ट्रेन से टकराई बोलेरो, 14 मृत। झारखंड के रामगढ़ जिले में भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के निकट हावड़ा भोपाल ट्रेन की चपेट में एक बोलेरो के आ जाने से 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 से लेकर 5 साल की आयु के 6 बच्चे भी शामिल हैं। जिला प्रशासन और रेलवे के डॉक्टरों की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि ट्रेन के इंजन में फंसी बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से निकालने में 4 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के थे। राहुल गांधी बोले, मुझे सवाल पूछने से रोक नहीं सकते। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लेने तमिलनाडु पहुंचे। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये राजनीतिक बदला है। केंद्र सरकार मुझे ऐसे ही सवाल पूछने से रोकती है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं सवाल पूछता रहूंगा और केंद्र सरकार पर दबाव बनाता रहूंगा। दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।